नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन सासू माँ की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये है प्याज का अचार, बहुत बढ़िया है। जब आपको खाना हो उससे कुछ घंटे पहले ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से। इसके लिए हमको दो प्याज और केरी चाहिए, ये कच्चा आम है। हम आधी केरी और दो प्याज का अचार बनाएंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसके लिए केरी को छील के कद्दूकस में इस तरह से छील लें। ये मैंने आधी केरी ली है, कच्चा आम, ये देखिए इस तरह से लच्छेदार। आप बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से कस के बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम दो प्याज लेंगे, इसको हम छील के धो के पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे, और इस तरह से जो इसका पीछे का जो हिस्सा होता है ये इसको निकाल दें, ये कई बार कड़वा होता है। और अब हमको इस तरह से इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो गोल शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना के रखना भी इजी होता है और खाना भी आसान होता है, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। ये अचार आप कोई भी डिश के साथ खा सकते हैं, ख़ासतौर पे पंजाबी खाने के साथ तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन रोटी सब्जी के साथ भी अचार बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन खासियत, इसको आप तुरंत बनाओ और तुरंत खा लो तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसको क्या करें, इसके लच्छे अलग अलग इस तरह से लच्छे अलग कर लेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे हाथों की सहायता से, ताकि इसका एक एक लच्छा अलग हो जाए। ये देखिए आपको इस तरह से पूरे लच्छे अलग कर लेने हैं। और ये हमारी केरी, जो हमने आधी केरी, इसका रेशियो दो प्याज में आधी केरी। अब मैं इसको बनाना बताती हूँ। एक इस तरह से हम बड़ा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने लिया 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च हमने डाली दी है तीखे के लिए। ये हमने सौंफ लिया है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, चाहे तो आप साबुत सौंफ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 पिंच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, अमचूर पाउडर है, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, इसका भी अपना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने लिए यहाँ कलौंजी, जो अचार में डाली जाती है ब्लैक, ये हमने लिए साथ में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। आप यहाँ पर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें, इसका ही अपना अलग टेस्ट आता है अचार का। खाने वाला ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना आप सरसों के तेल का इसका टेस्ट आएगा। अब हम डालेंगे सारे हमने जो प्याज हमने काटे थे ये वाले, साथ में हम ये केरी डालेंगे। अगर अभी ये मौसम है आपको केरी मिल रही है, अगर बाई चांस आपको केरी नहीं मिलती है सर्दियों में, तो आप इसमें 1/2 से 1 नींबू निचोड़ सकते हैं, उसका भी टेस्ट आता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप बना रहे हैं तो केरी डालिए, तो बहुत बढ़िया अचार बन के तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए इस तरह से हमको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है, इसमें हमने हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा, केरी का टेस्ट आएगा, फिर प्याज का टेस्ट आएगा। बहुत ही बढ़िया अचार है ये, और आप इसको खाने से 2 घंटे पहले बनाएं, आप तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे पहले बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट, इसके अंदर सारे मसालों का टेस्ट चला जाता है। तो हमने इस तरह से एक कांच की बरनी ले ली है, और अब हम इसके अंदर इसको भर के रख लेंगे। प्याज का अचार है तो मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इसको स्टोर करके ना रखें, आपको शाम को खाना है आप तो सुबह बना लीजिए, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है, एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा। आगे भी और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा चटपटा एकदम, और हर रेसिपी के साथ आप कोई भी खाना बनाएं उसके साथ ये अचार बना के एक बार देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्रंच भी इसका प्याज का बरकरार रहता है, और जो अचार के जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, जो हमने घर के मसाले मेन के हमने सारे ऐसे चीज़ें ली हैं जो हमारे घर में होती है, ऐसे स्पेशल आपको बाहर से ला के ना करना पड़े। मैं हमेशा ऐसी रेसिपी आपको दिखाना पसंद करती हूँ जो हम घर के सामान से ईजिली इसको बना सकें। ये हमने भर लिया है, और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार, ये देखिए इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, और बहुत कम सामान से बहुत बढ़िया मज़ेदार इंस्टेंट अचार आपको बनाना आज मैंने बताया प्याज का अचार। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
आगे भी इसी तरह से आप मेरी रेसिपी देखते रहिए। और मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।